और आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दाना नाम का चक्रवाती तूफान किसी भी वक्त तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल होगा। एनडीआरएफ और कोस्टल गार्ड की टीमें राहत बचाव के लिए मुस्तैद हैं। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं ओडिशा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और राहत बचाव की दूसरी टीमें मुस्तैद हैं। दो सौ 80 से भी ज्यादा राहत बचाव टीम काम कर रही हैं। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है, तो वहीं कोणार्क मंदिर भी बंद रखा गया है। रेलवे ने ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है। ओडिशा की सरकार ने कई शहरों में समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं। रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सियालदा स्टेशन से रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 से 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना ओडिशा में कहर बरपा सकता है, इसीलिए यहां पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा की रैपिड एक्शन फोर्स ODRF को तैनात किया गया है। इसके अलावा वहां कई राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। लैंडफॉल के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण पर सियासत जारी है। नदी में डुबकी लगाने के चैलेंज अब दिए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज यमुना में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। यमुना के इस प्रदूषण पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता प्रदूषण का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत जारी है। झाग झाग यमुना नदी में छठ की पूजा कैसे होगी, ये पूछा जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना का पानी कितना जहरीला हो गया है। बीजेपी का कहना है कि ये डुबकी यमुना को लंदन के टेम्स की तरह साफ करने का अरविंद केजरीवाल का वादा याद दिलाने के लिए थी।
कल बीजेपी ने केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया था और आज खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने जहरीले पानी में डुबकी लगाई। हालांकि दिल्ली सरकार ने यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा है। मैं तो वहाँ यमुना को आया था कि देखने के लिए कि हम शर्मिंदा है, तुम्हारी ये हालत है क्योंकि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खाने का काम किया। और मुझे चिंता है कि 10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्यौहार होना है, मेरी माताएं बहनें इस गंदे पानी में कैसे जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ यमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत गलत बात की वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि यमुना से तो माफी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। जहां लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और कहा गया था कि गंगा को साफ करेंगे, वो गंगा आज भी उतनी मैली है। वो अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं, तो वो हरियाणा सरकार से बात करें और जो पानीपत और सोनीपत से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसको बंद कराएं। 1994 से ही यमुना की सफाई की कोशिशें हो रही हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र और डीडीए का सहयोग मिला तो यमुना को टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे, लेकिन जिस यमुना की लोग देवी मानकर पूजा करते हैं उसकी सफाई की कोशिशें गंदे नाले बहाकर ले जा रहे हैं। केजरीवाल ने 2020 में वादा भी किया था कि वो 2025 में होने वाले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग गंगा नहा के आए हुए हो? काफी लोग गए हैं यहाँ पे। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे, इतनी साफ कर देंगे यमुना। यमुना का पानी जहरीला होता जा रहा है, लेकिन नदी की सफाई के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते रहे हैं, सिर्फ सियासत होती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3500 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज यमुना नदी में बहाया जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में फिर झाग है। यमुना नदी में डुबकी लगाने पर तबीयत खराब हो रही है, प्रदूषण पर फिर सियासत भी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात अंतर